ओके, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे इस घर में एक बहुत पुराने जानने वाले, बहुत पुराने हैं, काफ़ी पुराने, मतलब हम छोटे छोटे थे, हम लोगों ने देखा होगा कहीं आपस में, तो ऑलमोस्ट मोहल्लेदार भी हैं, तो ज़्यादा टाइम ले लूँगा, तो ये इस बोर्ड पर मिल गए हैं, तो इसी तरह मिल जाते हैं, इस स्मॉल वर्ल्ड। तो फर भाई, क्या हाल है आपके? जी मैं खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तो मोहल्ले के, पता नहीं बचपन में कभी मिले होंगे, मिले होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है तुर्की आपको? तुर्की बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा है। विजिट क्या है? मैं ऐसे घूमने फिरने के लिए आया था। ऐसे घूमने फिरने का? जी जी जी। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमने? मैं अभी इस्तांबुल ही घूमा था। इस्तांबुल? जी जी। ग्रैंड बाजार, ग्रैंड बाजार गया हूँ। जी 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 बिल्कुल जी, तमाम चीज़ें देखी अभी। आपके पर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। बहुत ही ऑसम। जी जबरदस्त। आप रेकमेंड करेंगे लोगों को कि आए यहाँ? बिल्कुल, यहाँ तुर्की आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जगह है और इतनी महंगी नहीं है, और मुनासिब जगह है, खाना भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, वेदर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल, और ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। हाईली रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए, तुर्की आए वहाँ यहाँ अगर घूमें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो गाइस, रुमेली में ये जगह बड़ी फेमस है, कैट फिनेंस, खेल कैफे, खेली कैफे, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लंच हमारा आ चुका है और मैं और गफ्फार भाई, हमारी मुलाकात होगी, मैंने आपको बताया वीडियो में, तो हम दोनों अभी लंच स्टार्ट कर रहे हैं। तो सूप सबसे पहले आया है, तो एपेटाइज़र, उसके बाद देखते हैं ये क्या लेकर आते हैं। चिकन मैंने ऑर्डर किया है, कबाब इन्होंने ऑर्डर किया है, तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल आप सूप देखें। और ये सात नान आते हैं इसके, स्प्राइट, इस तरह की स्प्राइट होती है, तो ये लंबी लंबी। तो ये सूप है और इसके साथ सैलेड, और ये नान, ये स्प्राइट, वाड़ू वाड़ू। ओके गाइस, तो लंच रेडी है, और तो बहुत ज़्यादा लंच है भाई, इतना तो नहीं खाएंगे हम, फिर भी चॉइस करके कुछ ना कुछ खा लेंगे। और ये आप देखें, ये चिकन कबाब है और वही चिकन बोटियाँ हैं, और ये वो सारा जो मिलके साथ दाल है माश की, और सैलेड है हल्का फुल्का, धनिया है, और ये है लैम कबाब, गफ्फार भाई हैं ये, और इनके साथ ये सैलेड, सूप, तो ये सारी चीज़ें। और ये आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं, तो मिलता हूँ मैं लंच के बाद। हेलो व्यूअर्स, तो मैं हूँ रुमेली में, लंच मेरा फिनिश हो चुका है और मैं यहाँ बिल्कुल समंदर के किनारे आया हूँ। आने के बाद ये यहाँ पे कुछ सीगल्स हैं, ये आपको दिखाऊँ मैं, और ये लोग कुछ ना कुछ देख रहे हैं इनके लिए, तो ये आ रहे हैं। पूरे रुमेली का यही अट्रैक्शन है कि यहाँ पे समंदर है और लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कुछ वैसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं।
ऊंची नीची सड़कें हैं, वो ब्रिज है, डॉगी साहब हैं, सब सी वॉक है। और मैंने जाना है, वो आपको नजर आ रहा होगा, एक पुराना सा किला जिसका नाम रुमेली कैसल है। तो वो अभी कोविड की वजह से इन्होंने बंद कर दिया है। Almost. Yeah. तो ये वो कैसल पीछे नजर आ रहा है, वो बहुत हाइट पर भी है और नीचे से ये कोविड की वजह से इन्होंने बंद कर दिया, मगर हम बाहर से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक पीस इन्होंने नीचे बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से ये शिप आके लगता है। तो हाँ राइट, तो ये फेरीज आके लगती हैं, तो इधर से लोग आते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कार्गो शिप है और ये यहाँ से गुजर है बास्फोरस से, ये पूरा बास्फोरस ही है और ये पूरा एशिया और यूरोप को मिलाता है। और ये जो एरिया है इसका नाम रुमेली है। तो मैं बस ऑलमोस्ट कैसल की तरफ पहुँच रहा हूँ, पहुँच गया हूँ कैसल की तरफ। वाह, दैट्स ह्यूज। ये कैसल है जिसकी तरफ मैं जाता जा रहा हूँ, बहुत ही कोई बड़ा कैसल है भाई ये। तो ये पैलेस जो है ये बंद है कोविड की वजह से, तो बाहर से ही देख सकते हैं। और इसी दौरान जो है मेरी बोट का टाइम भी हो गया था, वो एक घंटे के लिए रुकी थी यहाँ पर और हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत वॉक की, उसके बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पैलेस को, बहुत ही पुराने पैलेस है ये। इसका
का नाम है रंगाली पैलेस। ये मोस्टली ड्रामे में और फिल्मों में दिखाते हैं। मैं भी आज ट्राई कर रहा हूँ, मुझे विजिट करने दें इसका अंदर से, तो मैं आके इसको विजिट करूँगा ज़रूर। आप मेरे बोल रहे हैं यार।